कोविड-19 की जगह के बाद स्वास्थ्य और एजुकेशन पर सबसे ज़्यादा यदि किसी को झटका लगा तो वो बच्चों को लगा। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि जो रिपोर्ट आई हुई है उसमें बहुत क्लियर है यूपीए 2 से पीछे रह गए, क्या जीडीपी के हिस्से के रूप में लगभग 6% का घाटा, और उसके बाद मेक इन इंडिया में विफल होने के कारण राज्य के नेतृत्व वाले विकास मॉडल के बजाय सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपी मॉडल पर जो निर्भर हुआ, नतीजा हुआ कि आज की स्थिति में लगभग शेयरों को भी आप देखिए आरंभिक स्वाद सार्वजनिक पेशकश 21,000 करोड़ रुपया थी, उनका जब आप निजी क्षेत्र में बिक्री या मोनेटाइजेशन शामिल करने के अनुमानित आंकड़ा देखिएगा तो 6,00,000 करोड़ रुपया था। भारत के कार्यबल 20% ही औपचारिक रोजगार जुड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक लगभग 2000 में जहां देश में बेरोजगार में पढ़े लिखे नौजवानों की तादाद 54.2% थी, वो 2022 में बढ़कर 65.7% हो गई। उस तरह दुनिया के कारखानों में तब्दील करने की जो मेक इन इंडिया की सबसे बड़ी बात थी, जिसमें $25 अरब मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स वाली कंपनियों को दिया गया भारत सरकार के द्वारा युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, जिसमें 1.3% भी, ये आंकड़ा मेरा नहीं है, ये आंकड़ा भारत सरकार का है, वो स्थिति इसमें पैदा हो गई कि हमने यूथ को आगे नहीं बढ़ा पाया। लगभग 40% श्रमिक किसी क्षेत्र में काम करते हैं और केवल 20% ही विनिर्माण नौकरियां या आईटी जैसी व्यावसायिक सेवा में काम करता है। ये जो मजदूर है 40%, 10 साल के अंदर इस पर कोई काम वर्तमान सरकार ने नहीं किया, खास तौर पर अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, पिछड़ा वर्ग ओबीसी आरक्षण के संदर्भ में आप उठा करके देखिएगा, जितनी प्राइवेट नौकरियों की बात आई नियोजित, उस पर कभी भी आज तक सभापति महोदय निजी आरक्षण को लेकर के वर्तमान सरकार 10 सालों में कभी भी किसी भी बजट में प्राइवेट आरक्षण को लेकर एसटी एससी अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए जब आपने सरकारी नौकरी खत्म कर दी, उसी का एक हिस्सा है बजट में जो आया है ओबीसी वर्ग के लिए, जिनकी राह में कठिनाई, छात्रों की प्री 210 करोड़, पोस्ट मैट्रिक 10 करोड़, लगभग 921 करोड़, छात्रवृत्ति नेशनल फेलोशिप 55 करोड़, विदेशी शिक्षा की सब्सिडी स्कीम 25 करोड़ तथा छात्रावास योजना पर 45 करोड़ रुपया की अनुमानित, मतलब 2024 के बजट अनुमान के पिछड़े वर्ग के छात्रों और अनुसूचित जनजाति की उच्च शिक्षा विकास के लिए योजना सरकार में बहुत कम घटा दिया एसटी एससी का और ओबीसी का। एक तरफ आप अत्यंत पिछड़ा ओबीसी एसटी एससी के आरक्षण को खत्म कर रहे हैं, एक तरफ उनकी इकोनॉमी को खत्म कर रहे हैं। विदेश जो एसटी एससी ओबीसी के बच्चे जा रहे थे उसके लगभग पैसे आपने 3 हिस्सा कम कर दिया। तो मेरा उसमें कहना बिल्कुल साफ है कि अध्यक्ष महोदय, सबसे जो इम्पोर्टेंट था वो है, आप इसको समझने का प्रयास करिए, वो सबसे ज़्यादा है एजुकेशन, हेल्थ, नरेगा, वीडो। मैं सभापति महोदय, वीडो के बारे में जो 6 पेंशन है, विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, निःशक्त पेंशन है, मैं सरकार से जानना चाहूँगा ये 300 रुपया कब तक आप दोगे, 400 रुपया कब तक? क्या इस पेंशनधारी को 1,000 से 2,000 रुपया वृद्धा पेंशन को क्या नहीं बढ़ाना चाहिए? दूसरी चीज, नरेगा जिस पर मजदूर निर्भर है, मनरेगा की स्थिति को आपने कितना कम बजट दिया है आप इसको देख लीजिए। दूसरा चीज जो हेल्थ सेक्टर है, ग्रामीण स्तर पर जैसे कैंसर है, ब्रेन ट्यूमर है, हार्ट है, जो संक्रमण बीमारी है, जो ओबीसी अत्यंत पिछड़ा दलित वर्ग आर्थिक रूप से वो नहीं कर पा सकता है, तो क्या आपने ऐसी कोई योजना बजट में कि जो
ऐसा आयुष्मान तो कहीं है, फेल्योर है, तो क्या आप कोई ऐसी योजना जिसमें कैंसर, हार्ट, ब्रेन ट्यूमर, इसका इलाज फ्री और दवाई जो लगातार वृद्धि हो रही है, और ग्रामीण स्तर पर किसी भी अस्पताल का जहां डॉक्टर नहीं है, 76 अध्यक्ष महोदय बारमेंट में 76% लगभग डॉक्टर नहीं है, लगभग टेक्नीशियन और लैब नहीं है, सरकारी अस्पताल कहीं भी दवाई नहीं देता है, गुणवत्ता नहीं है, मेडिकल सिस्टम नहीं है, आप इस पर नहीं कुछ बोले। मेरा सिर्फ आपसे अंत में कहना यह है कि आपने जाति जनगणना, मेरा कहना है कि अध्यक्ष महोदय कि जाति जनगणना के लेकर के आपकी क्या राय है, इस पर आप कभी चर्चा नहीं करते हैं। दूसरी चीज आरक्षण को लेकर के ओबीसी अत्यंत पिछड़ा, जो जेएनयू है, जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, समाप्त कीजिए, समाप्त कीजिए, मैं बात कर रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात सिर्फ करना चाहूंगा। अब मैं बात करूंगा कोसी सीमांचल पूर्णिया की। मेरा रिक्वेस्ट आपसे यह है कि पूर्णिया में IIT और IIM का हब, सीमांचल पूर्णिया में केंद्रीय विश्वविद्यालय, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान सहरसा में, आप समाप्त कीजिए, मैं समाप्ति कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, अपनी बात करके, कोर्ट स्टेशन और पूर्णिया जंक्शन में वाशिंग पीठ, लगभग कोसी नदी पर हाई डैम, पूर्णिया बिहार को उपराजधानी, दूसरा उच्च न्यायालय बेंच की अभिलाष कर रहा हूँ, मक्का और मखान, मैं आपसे आग्रह करूंगा सौमित्र खान जी, सभापति प्लीज कंक्लूड, प्लीज प्लीज, मैं बजट के लिए, मैं सभापति महोदय, बजट में फूड प्रोसेसिंग और डेयरी मिल्क, मक्का मखान के लिए मैं इस बजट में चाहूंगा कि बिहार को विशेष पैकेज के रूप में जितने बंद पड़े फैक्ट्री हैं, क्योंकि मजदूर बाहर जाते हैं 2.25 करोड़, इनके लिए कोई इंश्योरेंस नहीं है, किसी मजदूर का प्लीज, धन्यवाद, धन्यवाद प्लीज प्लीज, धन्यवाद चेयरमैन सर, आज पहले कारगिल जय दिवस है, आज हमारा देश का प्रधानमंत्री जी पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ, जहाँ देश का प्रधानमंत्री जी हमारा एक सेकेंड आप मेरा आग्रह सेकंड में बोले 15 सेकंड मेरा आग्रह है अध्यक्ष जी, ये जो आप जैसे आंगनबाड़ी, रसोईया, आज कारगिल जय दिवस, ममता, आशा, नियोजित, संविदा, शिक्षा मित्र, मेरा दो ही इसमें सबमिशन है, लगातार जैसे अग्निवीर के बारे में ये सवाल उठ रहा है, नियोजित संविदा शिक्षा मित्र जो उत्तर प्रदेश में है, इसके खिलाफ ये असमानता है टीचर के प्रति, ये असमानता है एजुकेशन और सम्मानजनक प्रति। ओके थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद सर, राजेश, आज प्लीज प्लीज कंक्लूड, कोई चीज आज सुमित्र खान जी प्लीज स्टार्ट सर, धन्यवाद, प्लीज प्लीज से नमन करता हूँ।